श्रावण के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल की चौथी सवारी पूरे ठाठ बाट के साथ निकली। पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल का पलक पावड़े बिछाकर लाखों लोगों ने स्वागत किया। सावन भादो मास में निकलने वाली सवारियों के क्रम में आज सावन के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकाली गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। सावन भादो मास में निकलने वाली सवारियों के क्रम में आज सावन के आखिरी सोमवार को बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकाली गई। राजाधिराज महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। प्रजा ने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर अपने राजाधिराज बाबा महाकाल का भव्य स्वागत किया। 4 बजे मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में चंद्रमोलेश्वर स्वरूप में प्रजा का हाल जानने निकले। वहीं नंदी पर सवार होकर बाबा महाकाल ने उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए और महाकालेश्वर ने शिव तांडव स्वरूप में गरुड़ पर सवार होकर निकले और हाथी पर मन महेश स्वरूप में विराजित हुए। इसके पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर राजा को पुलिस दल द्वारा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार श्रावण मास में हर सोमवार को भगवान महाकालेश्वर यहाँ से मंदिर प्रांगण से निकल कर नगर में भ्रमण करते हैं। आज उनका प्रारंभिक 4 बजे पूजन हुआ। उनकी जो मूर्ति की जो छवि है उस छवि का पूजन करके पालकी में विराजित कर पालकी पूरे नगर में भ्रमण की और भ्रमण करके भक्तों को दर्शन दिया। जगह जगह जो हमारे यहाँ परंपरागत मंदिर है जो विशेष है वो प्राचीन है वहाँ पर रुक कर उनकी जो पूजा वहाँ के पुजारियों द्वारा की गई इसको हम मिलन समारोह के रूप में भी देखते हैं। आज पुनः भगवान महाकाल नगर में भक्तों को भ्रमण का दर्शन देकर अपने स्थान पर महाकाल मंदिर पुनः पधारे। बाबा महाकाल की सवारी परंपरागत मार्ग से होकर रामघाट पहुंची, जहां अवंतिका नाथ का शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात सवारी निर्धारित मार्ग से वापस महाकाल पहुंची। सवारी में पुलिस का अश्वारोही दल, पुलिस टुकड़ी, भजन मंडलियों सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। जगह जगह सवारी का भव्य स्वागत किया गया। पूरे सवारी मार्ग पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों लोग घंटों सड़कों पर खड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।